हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ ग्रुप्स एंड रिंग्स। और इसमें आज हम रिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रिंग्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिंग्स के बारे में, और फिर उसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, रिंग्स की डेफिनेशन देखते हैं। जैसे हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसी इसी तरीके से रिंग्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ग्रुप में जैसे चार प्रॉपर्टी होती है, अभिलिन का नाम ले तो 5 प्रॉपर्टी होती है। तो रिंग में देख लेते हैं भाई, रिंग्स अ नॉन एम्प्टी सेट आर इक्विप्ड टू बाइनरी ऑपरेशन। रिंग में हमारे पास जो है वो दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। जैसे ग्रुप में हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है ग्रुप में, लेकिन यहां पर हमें दो बाइनरी ऑपरेशन लेकर चल रहे हैं। इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस कौन से एडिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेशन हमें लेके चल रहे हैं। एडिशन अगर मैं यहां पर लिखूं तो प्लस, एंड मल्टीप्लीकेशन डॉट से डिनोट करेंगे। रिंग इज सेट टू बी फॉर्म ए रिंग, यानी आर को हम रिंग कहेंगे, फॉर्म ए रिंग इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यही चीज आपको देखनी है कि सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अलग मिलेंगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग मिलेंगी। ठीक है, तो यहां से देखिए, आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन की प्रॉपर्टी हो गई। तो कैसे होती है भाई, क्लोज्ड कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? मैं दो नंबर लेकर चलती हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन अगर इनकी एडिशन भी आर में ही आ जाती है, देन आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। तो दो नंबर हमने सेट के लिए, उनकी एडिशन भी उसी में आ गई, दैट मीन्स दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड, एडिटिव, या आप ऐसे लिख लीजिए, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन्स हम ये दोनों जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चलेंगे। ठीक है, दैट इज क्या मतलब, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर तीन नंबर हम आर के लेते हैं, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एग्जिस्ट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर मैं दो नंबर लेकर चलती हूँ आर के, देन ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला है, इक्वल होगा बी प्लस ए के। ओके, फोर्थ हम लेकर चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या होता है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिटिव आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर ए नंबर हम आर का लेकर चलते हैं एंड जीरो बिलोंग्स टू आर, सो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम देखें तो क्या होता है कि ए प्लस, हम ए में क्या ऐड करें कि मुझे ए ही मिल जाए, तो ज़ीरो, तो ज़ीरो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि ए में हम क्या ऐड करें, जो है वो ए में कौन सा नंबर ऐड करें हमें आइडेंटिटी मिल जाए।
तो ए में कौन सा ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप बताओ कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू अगर हमारे पास आ जाता है ज़ीरो, या फिर आप इसको प्री एडिशन बोल सकते हो, यहाँ पर ऐड करते हो तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के। अगर आप देखो तो पांच प्रॉपर्टी हमें मिलती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फाइव। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये तो पांच प्रॉपर्टी होगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि रिंग में, यानी आर जब रिंग यहाँ पर बनेगा, रिंग हम इसको कहेंगे, जब क्या होना चाहिए, एडिट कॉम्यूटेटिव एडिटिव ग्रुप। कॉम्यूटेटिव का मतलब पांच प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ग्रुप हमारा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि इसको आप सिक्स कन्वर्ट कर सकते हो। सिक्स ये मैंने इसलिए अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चलेंगे अब। ठीक है, तो आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोज होना चाहिए, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सेवेंथ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सेवेंथ प्रॉपर्टी हम बताएंगे कि एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो एसोसिएटिव ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर तीन नंबर आर के लेते हैं हम, देन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, एट प्रॉपर्टी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास क्या आ जाता है कि ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट सी लिख सकते हो, या फिर ए डॉट बी प्लस सी लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस सी, किसी भी तरीके से ले लीजिए, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। टोटल कितने प्रॉपर्टी होती है, आठ प्रॉपर्टी होती है रिंग में, टोटल आठ प्रॉपर्टीज। और यहाँ से अगर हम इसको देखें कि अलग अलग, तो हमारे पास आता है रिंग इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप मतलब पांच प्रॉपर्टी। समझ गए, पढ़ चुके हम कम्युनिटी एडिटिव ग्रुप क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपको कम्युनिटी ग्रुप बताना है, पांच प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, प्लस अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप, है ना। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। तो इसको किसके विद रिस्पेक्ट है, मल्टीप्लीकेशन के। दो बाइनरी ऑपरेशन हमने लिए थे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पांच प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर थ्री प्रॉपर्टी। तो ये आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव तो दोनों पे ही अप्लाई होती है, प्लस और जो मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दो प्रॉपर्टीज को, मैं लिख सकती हूँ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सेमी ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सात प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एडिटिव ग्रुप में पांच प्रॉपर्टी, और एट्थ ये लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये आ जाएगा हमारा रिंग, क्लियर दैट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिंग्स, टाइप्स ऑफ रिंग्स, कि रिंग्स की कितने टाइप होती है। फर्स्ट कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव, बहुत ही समझ के आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, अ रिंग
ए रिंग, यानी कि रिंग हमने बोल दिया तो आठ प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, पांच प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आठ प्रॉपर्टी तो हमारी यहीं पे हो जाती है. ए रिंग इज इन विच कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर और होल्ड कर जाती है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एडिशन तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना. एडिशन में सॉरी हमने कहा था रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. सो एडिशन हम पहले ही बता चुके हैं एंड मल्टीप्ली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखें तो यहाँ से रिंग इन विच ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन वी कॉल रिंग आर, लिख लीजिए रिंग आर इन विच दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स, देन आर इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग. कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है. तो कॉम्यूटेटिव रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होगी टोटल, आठ यहाँ पर, रिंग बोलते ही एट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ आ जाती है, प्लस वन आ गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव, ठीक है. तो टोटल हमारे पास नौ प्रॉपर्टी हो जाती है अगर आपको कम्यूटेटिव रिंग बोला जाएगा तो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक और ऐड हो जाती है रिंग में जो कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड टाइप, रिंग विद यूनिटी. रिंग विद यूनिटी, अब भाई देखा जाए तो एडिशन की तो सारी कंप्लीट हो चुकी है, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पांच ही प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसमें हम ग्रुप को प्रूव करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बची किसकी, मल्टीप्लीकेशन की. अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करवाएंगे तो कम्यूटेटिव रिंग हो गया. अगर आपको रिंग विद यूनिटी बोला जाता है, यूनिटी का मतलब वन, दैट मीन्स वन क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब अगर मल्टीप्ली रिंग में आप एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो हमारे पास आ जाता है रिंग विद यूनिटी, ठीक है. तो यहाँ से हमें बताना है रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी इफ वन बिलोंग्स टू आर, जो आइडेंटिटी होती है वो ऑलरेडी सेट में होनी चाहिए तभी तो होगा ना. वन बिलोंग्स टू आर, वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, या फिर ए इंटू वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर के सभी नंबर्स को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल रही है ना. तो प्रॉपर्टी कितनी होगी, एट प्रॉपर्टी रिंग की. एक आ गया हमारे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, जब हमने रिंग विद यूनिटी कहा तो हमने कहा आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये अलग चीज है. अगर केवल रिंग विद यूनिटी आता है तो इसमें भी आपको नौ ही प्रॉपर्टी मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें जो एग्जिस्ट करेगी, रिंग विद यूनिटी बोला जाएगा तो भी नौ प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी नौ प्रॉपर्टी आएंगी, इसके अंदर भी नौ प्रॉपर्टी आएंगी, आठ आठ प्रॉपर्टी. एक इसमें कम्यूटेटिव ऐड करोगे तो कम्यूटेटिव रिंग हो गया, विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऐड कर देते हो तो ये हमारे पास रिंग विद यूनिटी हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं, नल रिंग या फिर जीरो रिंग किसको कहेंगे हम. और यहां पर जो आप वन लेकर चले हो ना, वन को हम कहेंगे यूनिट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है. चलिए जी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, नल रिंग और जीरो रिंग. ओके, नल रिंग क्या होता है, द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ नल रिंग का मतलब हम यहां पर बता रहे हैं कि इसके अंदर हमने जीरो नंबर लिया, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, केवल एक ही नंबर होना चाहिए आर के अंदर, ऑफ ए सिंगल एलिमेंट जीरो विद टू बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि रिंग बोला है तो दो बाइनरी ऑपरेशन तो मिलेंगे, है ना. नल रिंग या जीरो रिंग, तो ए सेट आर ऐसा सेट जो एक ही एलिमेंट रखता है जीरो विद,
क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज और देखना, यहाँ पे मैंने सेट लिखा है, इनमें मैंने रिंग लिखा है, रिंग आर है ना, तो यहाँ पे सेट लिखोगे तो आप बताओगे दो बाइनरी ऑपरेशन आएंगे विद टू बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशंस डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करना है, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाए एंड जीरो इंटू जीरो भी जीरो आ जाए इज ए रिंग, देन आर इज कॉल्ड द नल रिंग या फिर जीरो रिंग। तो नल और जीरो रिंग में हमारे पास क्या आया कि जीरो प्लस, केवल एक ही नंबर है तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो भी आंसर जीरो, जीरो इंटू जीरो करोगे तो भी आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं नल रिंग या फिर जीरो रिंग। ओके सो ये इसका जो बेसिक है आपका रिंग का, जो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, आपको अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेंगी आगे, आपसे जो पूछा जाएगा कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप सेमी ग्रुप जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया है अलग अलग कैटेगरी में, तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स का, सो आप डाउनलोड करें न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन और वहाँ पर अपना कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर ओनली रिंग्स एंड फील्ड्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।